जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटेरली इकट्ठा होके चेंज लाते हैं और ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो वैसा सेंटर हम ये एस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे, जिसमें कि एनजीओज जो पंजाब में हैं वो अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में एक ब्रिज, हाँ एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट को पता हो कि कौन से एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं और एनजीओज को पता हो कि हमने गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो एक तो ये काम है, एक एनजीओज की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कि वो अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे ला सकते हैं अपने अंदर। और तीसरा जो हम उसमें काम कर रहे हैं कि एक वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट को बढ़ाना, मिशनरी जील के साथ उसमें हम वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब क्योंकि एक एनजीओ और जो सरकार के बीच का एक तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है, एक ब्रिज की ज़रूरत है, कि वो एनजीओ बहुत मेहनत करती है, हर एक एनजीओ का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें वो कोशिश करती है बेहतर करने के, लेकिन गवर्नमेंट तक वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं पहुँचते। और ये एक हार्ड कोर सच्चाई है नीना मैम कि बिना पैसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। तो एनजीओ कितना सोशल वर्क से कर लेंगे, कितना वो अपने पॉकेट से डालेंगे, कितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक उनके अंदर भूख भी होती है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्यास होती है और शायद वो हम पूरी करने की उनकी करेंगे क्योंकि हम उसमें अवार्ड भी देंगे, हमने एनजीओ अवार्ड मोटिवेशन दे रहे हैं, हां इंसेंटिव भी रख रहे हैं कि उसमें हम जो नए एनजीओ हैं उनका भी अवार्ड रखेंगे। चंडीगढ़ की प्रेसिडेंट नीना सिंह जो रोटरी के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, सिडको के साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप कह सकते हैं कि नीना सिंह एक रोल मॉडल के रूप में महिलाओं के बीच उभर कर आई हैं क्योंकि उन्होंने SDFC में जो उनका करियर का पीक था वहाँ से उन्होंने रिजाइन करके सोशल सर्विस की तरफ जो अपने आप को ढाला और सोसाइटी के लिए जितना कुछ देने की कोशिश की और दे रही हैं अभी भी। तो हम कह सकते हैं कि उनकी ख्वाहिशें भी उन्होंने जाहिर की हैं कि अभी कुछ बाकी हैं जो आने वाले वक्त में वो पूरा करना चाहेंगे। तो पल दो पल में इतना ही, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जाने वाले हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनके अपने जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे कीड़ा बहुत सताते हैं और ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच को चलते हैं ना, अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।